टाइटल और थंबनेल पढ़कर आए हैं और आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि एमएलएम में ये जो डर है इसको खत्म कैसे किया जाए, तो आज मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप एमएलएम का डर हो या सेल्स का डर हो या लाइफ में कोई भी डर हो, उसको कैसे साइंटिफिकली तरीके से खत्म किया जा सकता है। सो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं एक और एपिसोड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव एजुकेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो भेजूं तो आपके तक इमीडिएटली पहुंच सके, और साथ में उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का टॉपिक है फियर, डर। तो डर को कैसे खत्म करना। ऑलमोस्ट मुझे 4 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, 4 साल के एक सक्सेसफुल करियर में मैंने चीज देखी है जो सबसे ज्यादा एक मिडिल क्लास को इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से रोकती है, जो इमोशन सबसे ज्यादा आगे बढ़ने से रोकता है, वो है डर, फियर। तो इमोशंस के बारे में अगर हम बात करें तो इमोशंस बहुत सारे हैं, हम इंसान इमोशन से भरे पड़े हैं। तो उसमें एक तो आपको पता है फियर, एक एक्साइटमेंट, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं एक्साइटमेंट के चलते हुए, एक्साइटमेंट भी एक इमोशन है। ऐसे ही एंग्री होना, एंग्रीनेस, ये भी एक इमोशन है। सैडनेस, हैप्पीनेस और लव फील करना, हेट, ये सारे इमोशंस हैं। और अगर आप इन इमोशंस को ध्यान से देखें तो हर एक इमोशंस का हमारे ऊपर अगर हम साइंटिफिकली तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक सक्सेसफुल माइंडसेट की, यानी कि जिसे मैं नाम देता हूं एक रिच माइंडसेट वर्सेस अ पुअर माइंडसेट, एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, इन्हीं आप कहें इन इमोशंस को अपने करियर के लिए सक्सेसफुल तरीके से कैसे यूज करना है, यानी कि यही इमोशंस इनके सक्सेस का कारण बनते हैं और यही इमोशंस पुअर माइंडसेट वाले लोगों के लिए एक नेगेटिव रोल अदा करते हैं। कैसे, चलिए बात करते हैं फियर की। एक आम इंसान, एक पुअर मिडिल क्लास परिवार, एक पुअर माइंडसेट वाला जो इंसान है उसको डर किस हिसाब से लगता है, उसको क्या डर लगता है। उसको डर लगता है स्टार्टअप का, कि मैं एक नया काम शुरू करूंगा उसके लिए मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कैसे कर पाऊंगा, उसका रिजल्ट क्या आता है, वो कोई स्टार्टअप ले ही नहीं पाता, वो कोई काम खोल ही नहीं पाता। उसको डर रहता है मेरा पैसा ना डूब जाए, उस डर से क्या करता है, वो काम ही नहीं कर पाता। एक पुअर माइंडसेट बंदे का आप इमोशंस का देखें, एक्साइटमेंट वाला जो इमोशन सेगमेंट है उसको देखें, तो वो एक्साइटेड कब होता है, वो एक्साइटेड होता है लॉटरी से, कि कहीं अचानक से मुझे पैसा मिल जाए, वो एक्साइटेड होएगा, उसको एक लोन का ऑफर आएगा, वो लोन ले लेगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा, उसके कारण वो फाइनेंशियल स्टेटस में और नीचे चला जाता है। यानी कि वो एक्साइटमेंट लॉटरी, सो कॉल्ड, आप जानते हैं हम एमएलएम में है तो ऐसी कंपनी में चला जाएगा जहां पर हर महीने या एक साल में पैसा डबल होने की ऐसी कोई स्कीम मिलती है, एक्साइटेड, और वहां पर वो अपना नुकसान करा लेता है। यानी कि यही इमोशंस पुअर माइंडसेट वाले बंदे के लिए नुकसान का कारण बनता है। एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा जब एंगरनेस, यानी कि जब गुस्सा आता है उसको, तो वो खुद को खुद अपना नुकसान कर लेता है, मोबाइल फोन तोड़ लेगा, रिश्ते तोड़ लेगा, अपने आप को तोड़ फोड़ लेगा, यानी कि वो अपना नुकसान करता है, पुअर माइंडसेट वाला बंदा। ऐसे ही आप सभी सैडनेस में आप देख लो, वो उदास, अगर आप सोचो कि एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा उदास कब होता है, तो आप बड़ी हंसी आएगी आपको उसके उस इमोशन मोमेंट को देखते हुए। ऐसे ही तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हम बात करें फियर के बारे में। लेकिन जैसे मैंने ये 3 इमोशन लिए हैं, फियर, एक्साइटमेंट, एंग्रीनेस, तो अगर मैं इनको देखूं रिच माइंडसेट वाले बंदे इन्हीं को यूज करके कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो जानते हैं एक रिच माइंडसेट वाला इंसान, उसको भी डर लगता है। लेकिन उसको डर किस चीज का लगता है, उसको डर लगता है मेरी कंपनी सेकंड पोजीशन पे नहीं आनी चाहिए, मुझे अपने बैंक बैलेंस को लूज नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी में करोड़पति बनना ही बनना है। यानी कि उसको डर लगता है एक रिच माइंडसेट वाले बंदे को कि कहीं मेरी जिंदगी बिना BMW से ना निकल जाए, कहीं मेरी जिंदगी गरीबी में ना निकल जाए, कहीं मेरी जिंदगी मीडियोकर लाइफ में ना निकल जाए, तो उसका रिजल्ट एक्शन में तब्दील हो जाता है। यानी कि ये डर रहा है लॉस ना हो जाए तो ये काम ही स्टार्ट करेगा, ये डर रहा है लॉस ना हो जाए तो ये ज्यादा काम करेगा। यानी कि डर इसके लिए एक ड्रिवन फोर्स बन जाता है। इसका मान लो एक इंसान है XYZ, कोई इनकी कंपनी लगातार 5 साल से अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 परफॉर्म कर रही है, तो इस भाई साहब को डर है कि मैं सेकंड पोजीशन पे ना आ रहा हूं, इसलिए ये और कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। और ये जो लोग हैं पुअर माइंडसेट वाले, ये काम ही नहीं करते, छोड़ निकल ही जाते हैं इस चक्कर से। एक्साइटमेंट,
ये बंदा पुअर माइंडसेट वाला बंदा एक्साइटेड हो रहा था लॉटरी को लेके, कोई स्कीम को लेके, और ये रिच माइंडसेट वाले जो लोग हैं ये एक्साइटेड होते हैं कब, जब इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब शेयर मार्केट गिरता है तो ये रिच माइंडसेट वाले लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पैसा डालते हैं, और जब शेयर मार्केट बढ़ता है तो पुअर माइंडसेट वाले लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पैसा डालते हैं। और आपको पता ही, जो लोग शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं, अल्टीमेटली लॉस कौन बुक करता है और प्रॉफिट कौन बुक करता है। तो ये रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की बात चलती रहती है। तो ये फेयर, एक्साइटमेंट, एंग्री, यहां पर लोग एंग्री होते हैं, पुअर माइंडसेट वाले लोग तो अपना नुकसान करा लेते हैं। रिच माइंडसेट लोग यानी सक्सेसफुल लोग जब एंग्री होते हैं, गुस्सा आता है उनको, तो वो और ज्यादा एक्शन करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, रतन टाटा जी। फोर्ड मोटर के ऊपर गुस्सा आया, काम करना शुरू किया, आज आप देख लो टाटा मोटर भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। फोर्ड कंपनी के दो ब्रांड जैगुआर रैंड रोवर उन्होंने एक्वायर कर लिए। अभी फोर्ड मोटर इंडिया में बंद हुई तो उनका फैक्ट्री लेने का प्लान बन गया कि जो फोर्ड की फैक्ट्री है उसको मैं ले लूं। यानी कि अगर मैं पूरी अभी तक अपनी टॉक को फिनिश करूं तो यहां पे फिनिश करते हैं कि फियर एक रिच माइंडसेट वाले बंदे को भी लगता है, पुअर माइंडसेट वाले बंदे को भी लगता है, लेकिन वो उसको यूज करता है अपने फायदे के लिए या अपने नुकसान के लिए। पुअर माइंडसेट वाला बंदा इन सभी इमोशंस को अपने लॉस बुक करने के लिए यूज करेगा, और रिच माइंडसेट वाला बंदा इन सभी इमोशंस को अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए यूज करेगा। नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे इस वीडियो में तो हम आए थे ये जानने के लिए कि आखिरकार इस डर को खत्म कैसे किया जाए, तो ये तो अंकुश शर्मा तो कोई और ही बात कर रहा है, लेकिन मैं जो आगे बात करने वाला हूं आपके साथ वो ये उसका बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो चलिए आज हम बात कर रहे थे फियर के बारे में, आज हम बाकी एक्साइटमेंट, एंग्री, सैडनेस, लव, हैप्पीनेस, इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे फियर के बारे में, आखिर इस फियर को कैसे खत्म किया जाए। तो यहां तक आपको समझ लग गया। अब फियर का एक बैकग्राउंड भी है, यानी कि भगवान ने, नेचर ने हमारे अंदर जो इमोशंस डाले हैं हमारे बेनिफिट के लिए डाले हैं। अगर इंसान के अंदर फियर ना हो, डर ना हो, तो क्या होगा जानते हैं, रोबरी, रेप केसेस, मर्डर केसेस, ये सब रोज आप जितने, आज अगर 100 केस सुनते हो तो 1 लाख केस, 10 लाख केस आ जाएंगे, क्योंकि किसी के अंदर कानून का डर ही नहीं होगा, किसी को पुलिस का डर ही नहीं होगा। तो चोरी, डकैती, मर्डर केस, ये सब बढ़ने वाले हैं अगर फियर ना हो तो। तो फियर होना अच्छी बात है, लेकिन आपने वो कहावत सुनी है, एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की हद हो जाए तो हमारे लिए नुकसान है। तो जो लोग ज्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा डरते हैं, वो अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या करना है, फियर को खत्म कैसे किया जाए, फियर को अपनी जिंदगी से कैसे इलिमिनेट किया जाए, कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसको खत्म कैसे किया जाए। तो डर लगता कब है, सो लेट्स सपोज एक डिसीजन लिया आपने, कोई भी एक्स वाई जेड, और एक है एक्शन। नाउ डर किसे कहते हैं, डर है डिसीजन और एक्शन के बीच में, जो इसे हम टाइम कहते हैं, इसे दूसरी लैंग्वेज में डिले कहते हैं। ये जितना बड़ा होगा, यानी कि साइंटिफिकली प्रूवन क्या चीज है कि डिसीजन और एक्शन के बीच में जितना डिले होगा, डर उतना ज्यादा, फियर उतना ज्यादा होगा। अब इसको काउंटर कैसे किया जाए, तो इसको रिवर्स लेके चलते हैं, इसको उल्टा करते हैं, यानी कि डिसीजन और एक्शन के बीच में डिले जितना कम होगा, या डिले होगा ही नहीं तो डर होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके, हम एक कॉलेज लाइफ में चलते हैं। लेट्स सपोज एक लड़का है, उस लड़के ने डिसाइड किया कि मुझे यहां पे है राहुल और यहां पे है, लेट्स सपोज एक लड़की है सोनिया। राहुल ने डिसाइड किया कि मुझे सोनिया को प्रपोज करना है, मुझे अच्छी लगती है, इसको मैरिज के लिए प्रपोज करना है। अब इसने डिसीजन लिया कि मुझे इसे प्रपोज करना है। अब ये जितना डिले करेगा उतना इसके अंदर डर बढ़ता जाएगा, उतना इसके अंदर नेगेटिविटी आती जाएगी, उतना इसको, इसके फ्रेंड सर्कल वाले इसको और बोलेंगे नहीं कुछ हो ना जाए, यानी जो भी है ना। तो ये जितना डिले करता जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, उतना चांसेस है कि इसके अंदर का डर और बढ़ता जाएगा। लेकिन इसने डिसाइड किया ये लड़की अच्छी लग रही है, इसकी शादी की जा सकती है, इसके साथ पूरी जिंदगी स्पेंड की जा सकती है, जीवन अच्छा हो जाएगा, इसके साथ शादी हो जाएगी। जैसे डिसीजन लिया उसी समय, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डिले किए, इसको अगर प्रपोजल दे देता है तो चांसेस आर हाँ या ना की बात बाद में है, लेकिन ये एक बात तो पक्की है कि इसको बोल जरूर आएगा, प्रपोज जरूर करेगा। क्यों, क्योंकि इसने डिले को कम कर दिया, ये डिले किया ही नहीं, इसने टाइम को कम कर दिया। सेम एमएलएम में भी ऐसे होता है,
जब मैं नया नया आया था तो मैं रास्ते में कहीं चलता था, लिफ्ट में होता था या कहीं ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता था, तो मेरे साथ में जो इंसान बैठा होता था मुझे अच्छा लगता था कि इसको मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। तो क्या होता था स्टार्टिंग के दिनों में, मैं सोचता था इंसान अच्छा है इसके साथ चलो बात करते हैं, इसके साथ अपनी कंपनी की बात करते हैं, इसके साथ अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। होता क्या था, पूरा दो दो तीन तीन घंटे का सफर निकल जाता था, उससे बात ही नहीं कर पाते थे, वो बंदा उठ के चला जाता था। तो हुआ क्या, डिले बढ़ गया, डिले बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जैसे जैसे मुझे ये चीज कंसेप्ट क्लियर हुए तो मैंने एक चीज फॉर्मूला अपना लिया अपने लिए। फॉर्मूला देने वाला हूं आपको, साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, डिले को खत्म किया मैंने अपने माइंड में, एक स्लोगन बना लिया। उस स्लोगन का नाम क्या था, 1 2 3 एक्शन। और जब मैंने एक्शन बोल दिया उसके बाद मैं कुछ नहीं सोचता था, उसके बाद मैं डायरेक्ट उससे बात करता था। यानी कि मेरे साथ अगर कोई लिफ्ट में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, किसी शॉपिंग मॉल में है, अगर वो इंसान मुझे अच्छा लग रहा है और उसके मुझे लग रहा है कि इसके साथ मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, तो मैं कभी डिले नहीं करता, मैं उसके पास जाता, अपने मन में बोलता 1 2 3 एक्शन। और सर क्या है, सर मेरा नाम अंकुश शर्मा, आप, मैं काफी देर से आपको देख रहा था, मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं, कुछ भी बोल दो, ये मत सोचो कि आगे। यार देखो, जब तक पूछोगे नहीं तब तक आंसर क्या है, अगर पूछोगे ही नहीं तो 100% गारंटी आंसर नो है। अगर राहुल सोनिया से पूछेगा ही नहीं तो आंसर तो ना ही है ना, क्योंकि वो तो वैसे ही नहीं। अगर पूछ लिया तो 50-50 है, हाँ भी है ना भी है, लेकिन अगर पूछेगा ही नहीं तब तो 100% नो है। तो अगर मैं प्रोस्पेक्ट के पास जाऊंगा ही नहीं तब तो 100% ना है, लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट के पास चला गया तो 50% चांस है कि वो हाँ कर देगा। तो वो 50% चांस लेते 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 आज मैं इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो गया। आज मैंने बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाया, दो घर बनाए इस बिजनेस से, गाड़ियां ली, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को समझ गया, मैंने अपने अंदर का जो फार्मूला है जो आपको देने वाला हूं आज, 1 2 3 एक्शन, 1 2 3 एक्शन, 1 2 3 एक्शन, ये करता था मैं। प्लान दिखाते समय मुझे डर लगता था, प्लान में बोलना आता था लेकिन जैसे प्रोस्पेक्ट सामने आ गया डर लगना, फिर मैंने क्या किया, 1 2 3 एक्शन, फिर शुरू हो गए। उससे क्या हुआ, रिजल्ट आने शुरू हो गए, मेरी स्पीड बढ़ गई, मेरे साथ ज्वाइनिंग आनी शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को समझ चुका था कि जितना मैं डिले करूंगा एक्शन लेने में उतना ज्यादा मेरे अंदर का डर बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा मैं अनसक्सेसफुलनेस की ओर बढ़ता जाऊंगा। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है इस चैनल को दबाकर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उस बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग।